सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन जस स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएड के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत हैं अभी से आप बनवा लीजिए, क्योंकि 14 से और 30 के बीच में जो आपके हैं ऑनलाइन फॉर्म आरसीआई के द्वारा भरे जाएंगे। तो वो जब आप साइबर कैफे पे जाएंगे फॉर्म भराने के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक होंगे और किस प्रकार से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एडमिशन होने के बाद में भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आवश्यक होंगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो 10 तारीख का आरसीआई का नोटिस है संभवतः सभी ने देख लिया होगा, क्योंकि आज 12 तारीख हो गई है। अभी तक ये मान के चलिए सभी ने नोटिस देख लिया होगा। अगर उस नोटिस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि 14 से 30 तारीख तक आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है आरसीआई के द्वारा डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए वो भरे जाएंगे। और उसके बाद में आपका जो 5 तारीख है वहाँ पर आपको आपकी जो मेरिट लिस्ट है वह देखने को मिलेगी। उसके बाद में आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए 6 से 13 तारीख के लिए इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किस प्रकार से आप फॉर्म भरते समय इंस्टीट्यूट भरेंगे यह भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और जो उसके बाद में 14 से 18 तक और उसमें इसी में आपका सेकंड और थर्ड काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद में जो आपकी क्लासेस हैं वह 26 तारीख से लागू कर दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी और आप लोग जितनी भी जानकारियाँ होंगी वह आप तुरंत पा सकेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, सहपाठियों के पास, जो भी डीएड स्पेशल एजुकेशन करना चाहता है या इससे जुड़ा हुआ है उसके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आप 12th पास आउट होने चाहिए और साथ ही साथ 12th पास आउट होने के बाद में आपके पास लगभग जो 50% मार्क्स होते हैं 12th में आपके पास होने चाहिए एडमिशन्स के लिए। और अगर आप SC ST या जो PWD वाले हैं छात्र, अगर आप इनमें से इन कैटेगरी में से आते हैं तो 5% लेस कर दीजिए, यानी कि 45% में आपका जो एडमिशन के लिए आप फॉर्म है वह फिल कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि फॉर्म फिल करने के लिए क्या चार्जेस होंगे, तो फॉर्म फिल करने के लिए वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो जनरल और OBC के छात्र हैं ये 500 रुपये और SC ST और जो PWD के जो छात्र हैं वह 400 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आवश्यक होंगे। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी से सबसे जो पहला मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूर अभी से, अगर आपने आय जाति निवास यानी कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, अगर अभी से आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए तो तुरंत आप लोग साइबर कैफे पे या जो भी आपके यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं उनके पास आप संपर्क कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको 2 साल में काफ़ी बार काम देने वाले हैं। जितनी बार आप स्कॉलर भरेंगे या कहीं पर भी विद्यालय में जाएंगे एडमिशन्स के लिए वहाँ पर आपसे ये डॉक्यूमेंट्स जरूर मांगे जाएंगे। और फॉर्म फिल करते समय भी आपका जो निवास और जो आपकी जाति है, ये आपका मूल निवास और जाति वो मांगी जाएगी, क्योंकि SC ST जो कैटेगरी के छात्र हैं इनके जो निवास जो आपकी जाति है वो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं इनका भी सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए जाति का, और जनरल के लिए भी यही है। साथ ही साथ अगर देख लेते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, और एक बात और बीच में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये कहना था कि सर क्या जो एज क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपका बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अभी तक एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लगाया गया है, मिनिमम एज आपकी 12th पास आउट होने चाहिए, यहाँ पर एज से कोई मतलब नहीं है। अगर आप 12th में 16 साल के भी हैं फिर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से आवश्यक होंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स जो आपका होगा वह होगा हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, दूसरा इंटर की मार्कशीट, उसके बाद में जो आपकी फ़ोटो, 2 फोटोज़ कम से कम आप ले लीजिएगा, और फोटोज़ के बाद में आता है नंबर आपका आधार कार्ड का। और मैंने आपको बताया 2 डॉक्यूमेंट्स जो काफ़ी 3 डॉक्यूमेंट्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आय जात निवास, तो यहाँ पर जो आपका निवास लगेगा और जाति लगेगी। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपने अभी तक अपना
जो मोबाइल है उसमें आपने अभी तक अपनी अगर जीमेल आईडी नहीं बनाई है तो जीमेल आईडी आपको फॉर्म भरते समय जरूर लगेगी, और ये आपको फॉर्म भरने के लिए और फॉर्म फिल करने के लिए आवश्यक होगी। क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो बिना जीमेल आईडी और पासवर्ड जो आप खुद ही स्वयं डालेंगे तो वहाँ पर आपको उसके बिना आपका फॉर्म लॉगिन नहीं होगा। तो आप लोग जीमेल आईडी अपनी अपनी ज़रूर बना लीजिएगा अभी तक अगर आपने नहीं बनाई है तो, क्योंकि साइबर कैफ़े पर जब आप जाएंगे तो आपसे जीमेल आईडी ज़रूर वो मांगेगा। और पिछले साल तक लगभग 5 जो इंस्टीट्यूट से वो भरने के लिए आ रहे थे, संभवतः इस साल भी ऐसा ही होगा। अगर आप जैसा कि 14 तारीख को फॉर्म फिल किए जाएंगे तो मैं जितने भी उसकी डिटेल्स हैं उसका मैं डेमो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि किस प्रकार से उसका डेमो, किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे या जाकर के वहाँ पे फॉर्म भराएंगे जाकर के। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जो सिग्नेचर है और आपकी फ़ोटो है ये भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम है तो आप लोग अभी से, क्योंकि आज 12 तारीख है, 13, 14 और उसके बाद 30 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो सकते हैं आराम से, तो आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लीजिए। और दोस्तों जो 5 कॉलेजेस भरे जाएंगे यहाँ पर ही आपको जो एडमिशन्स है वो लेने होंगे, तो जो 5 तारीख को जो लिस्ट आएगी तो वहाँ पर आपको कॉलेजेस मिलेंगे, तो तब का तब देखा जाएगा। कुल मिला के जब तक आपका फॉर्म 30 तारीख है और फॉर्म नहीं फिल हो रहा है तब तक आप अपना फॉर्म आराम से फिल कीजिएगा। ₹500 जो कटेंगे जनरल और ओबीसी के कटेंगे, एससी एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो ₹400 कटेंगे, तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी। और दूसरी बात है, अगर आपको अभी तक आपके यहाँ के कॉलेजेस नहीं पता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9118182056, यहाँ पर आप हमें बता सकते हैं, हम आपको जितनी भी आपके आसपास के जो कॉलेजेस है इसकी लिस्ट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने छात्रों के पास जो भी डीएड स्पेशलाइजेशन करना चाहता हो उसके पास ये ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, धन्यवाद।